बयान सामने आया है। नायब सैनी सरकार अब अल्पमत में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस सरकार के खिलाफ कदम उठाए तो हम उनके साथ हैं। पिछला अविश्वास प्रस्ताव पिछली सरकार के खिलाफ था, नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो दुष्यंत चौटाला का ये बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि एक बार फिर जो है नई सरकार के खिलाफ कांग्रेस को अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। पहला जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो पिछली सरकार के खिलाफ था, लेकिन अब नई सरकार के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो अंकित हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। अंकित, आपसे जानना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि नई सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए। क्या कुछ आपके पास जानकारी है इसे लेकर? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है वो ये कहा है कि जो अविश्वास प्रस्ताव बजट सत्र के अंदर लाया गया था तो वो पिछली सरकार थी, लेकिन अब मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नई सरकार शपथ ले चुकी है, नए मंत्री शपथ ले चुके हैं, तो अब दोबारा से अविश्वास प्रस्ताव सरकार का लाया जा सकता है, लेकिन उसके अंदर भी एक पेच है, क्योंकि जब नए मुख्यमंत्री बने थे और नए मुख्यमंत्री ने बनने के बाद एक दिन का सेशन बुलाया था, विधानसभा का सेशन बुलाया था और उसमें अपनी मेजोरिटी प्रूव की थी, तो कहीं ना कहीं उसमें जब मेजोरिटी प्रूव कर दी थी तो अब अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है या नहीं आ सकता है ये अभी कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला तो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नई सरकार जो बनी है वो उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, लेकिन अभी नए मुख्यमंत्री ने मैंने जैसे पहले बताया कि बनते ही अपना ही मेजोरिटी प्रूव की थी, तो उसके कितने दिन के बाद अविश्वास प्रस्ताव आ सकता है ये एक कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, और उसी को लेकर के दुष्यंत चौटाला हमलावर है और उन्होंने इतनी तक बात कह दी है कि अगर कांग्रेस ये कदम उठाती है, कांग्रेस अगर जो अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो जननायक जनता पार्टी के 10 विधायक जो हैं वो भी उनको बाहर से समर्थन देने का काम करेंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार गिरती है तो उसको गिराने के अंदर वो भी अपनी भूमिका अदा करने का काम करेंगे। जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ जननायक जनता पार्टी 4.5 साल तक सरकार में रही, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के साथ जिस तरह से भाजपा ने धोखा किया और बीच अधर में छोड़ दिया, तो अब वो भी उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार है अगर कांग्रेस कदम उठाती है तो। लेकिन साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी के नेता ये भी कहते हुए नजर आए कि वो राज्यपाल से मिलेंगे और राज्यपाल को कहेंगे कि ये जो सरकार है जो अल्पमत में है अपना विश्वास मत खो चुकी है, तो या तो मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे या जो राज्यपाल है वो विधानसभा के अंदर उनको मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहें, तो कहीं ना कहीं पेज जरूर फंसा हुआ है, लेकिन ये जरूर साफ है कि सरकार जो है वो अल्पमत में है। उन्होंने जब दुष्यंत चौटाला से ये सवाल किया गया कि उनकी पार्टी के 6 विधायक जो हैं वो भी लगातार कहीं ना कहीं 4 जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है, 2 जो हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है, तो उन्होंने कहा कि विहिप की ताकत जो होती है वो आप पिछले सेशन के अंदर देख चुके हैं कि जब विहिप आया था तो जननायक जनता पार्टी के जो 5 विधायक बीजेपी के साथ थे लेकिन वो सदन छोड़ करके बाहर चले गए थे, तो वही अगर अब भी अगर विहिप हम जारी करेंगे और वो सदन सरकार के खिलाफ जारी करेंगे तो भी कोई भी विधायक बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर पाएगा, और अगर वोट करेगा तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और उसका वोट नहीं माना जाएगा, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला, और उन्होंने साफ मतलब जो तेवर हैं वो भाजपा सरकार के खिलाफ अख्तियार कर रखे हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी बात भी कह दी है जो वो लगातार ये बात कहते हुए नजर आते थे कि हम कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं जा सकते, आज जो सिनेरियो बना है आज जो परिस्थिति बनी है उसके अंदर ये वो कहने से भी नहीं चुके कि अगर ये सरकार घेरने के लिए कांग्रेस के साथ भी जाना पड़े तो उसके लिए भी जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। जी जी अंकित, आप हमारे साथ बने रहिए, हम एक बार सुनाना चाहेंगे कि दुष्यंत चौटाला ने आखिर कहा क्या है। हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजोरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई, नैतिकता के आधार पर
मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी मां महिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि तीन विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज दो विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 MLAs आज हरियाणा विधानसभा के, तीन गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, दो वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। पांच विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है हरियाणा प्रदेश की। तो ये आपने दुष्यंत चौटाला को सुना, हमारे सहयोगी जो अंकित हैं हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। अंकित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि भले ही दुष्यंत ने ये कहा कि हमारा पूरा समर्थन कांग्रेस के साथ है, वो समर्थन देना चाहते हैं, लेकिन जजपा की अपनी स्थिति क्या है इस पे एक बार जरा प्रकाश डालिए, क्योंकि जजपा के अपने लोग उन्हें बहुत सारे छोड़कर कांग्रेस पे जा चुके हैं, कुछ बीजेपी में जा चुके हैं। बिल्कुल, जननायक जनता पार्टी का जैसे मैंने बताया कि वो उनके जो छह विधायक हैं वो पार्टी के जरूर खिलाफ हैं, उसमें से चार जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, दो जो हैं वो ईश्वर सिंह हो या रामकरण काला हो वो कांग्रेस के पक्ष में खड़े हुए नजर आते हैं, लेकिन किसी ने भी इस्तीफा नहीं दिया है, किसी ने भी जो खुल करके समर्थन तो कर रहे हैं, लेकिन जब अगर विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होता है तो और पार्टी व्हिप जारी करती है तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि व्हिप की ताकत ही ऐसी होती है। तो इसीलिए कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं पूरी तरह से दुष्यंत चौटाला, और जो कि 4.5 साल तक सरकार में रहे, सांझा उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद अब जिस तरह से हालात खराब हुए हैं और हालात खराब होने के चलते अब वो वार पलटवार कर रहे हैं। हालांकि सरकार को अभी कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, ये राज्यपाल के ऊपर है कि राज्यपाल अब अविश्वास प्रस्ताव लाती है क्या, कांग्रेस पहले कांग्रेस के ऊपर है कि क्या वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं क्या, और क्या गवर्नर जो है वो सरकार को मेजोरिटी प्रूव करने के लिए कहते हैं। तो ये सारी चीजें गर्भ में है और सरकार का भी चंद ही समय बचा है, 6 महीने का समय लगभग पूरा बचा है सरकार का, तो अब नजर नहीं आता कि सरकार के ऊपर कोई खतरा है, लेकिन नैतिकता की दुहाई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से दी जा रही है। कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, वहीं जननायक जनता पार्टी भी नैतिकता की दुहाई दे रहे थे, जो सभी पार्टियां हैं वो दूसरे को नैतिकता की दुहाई देते हुए नजर आते हैं, लेकिन जब खुद पर लागू करने की बात आती है तब वो पीछे हट जाते हैं। तो नैतिकता की दुहाई दे करके और नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देने के लिए जरूर कह रहे हैं, लेकिन नैतिकता राजनीति के अंदर हम देखते हैं कि कहीं बची नहीं है, और सब सत्ता को रखने के लिए जो भी हथकंडे अपनाने होते हैं वो अपनाए जाते हैं। अंकित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जेजेपी भले ही समर्थन देने की बात कर रही है, लेकिन ये भी कह रही है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, आरोप भी यहाँ पर जरूर जो है वो जेजेपी कांग्रेस पे लगा रही है। बिल्कुल, वो इसीलिए आरोप लगा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ना है, तो दोनों हाथों में लड्डू जो कह सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी रखना चाहती है कि कहीं ना कहीं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी के साथ मिला हुआ भी बता रहे हैं और वो उनसे कह भी रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव वो लेकर के आए, तो दोनों ही बातें जननायक जनता पार्टी के नेता दुष्यंत चौटाला द्वारा कही जा रही है। लेकिन अभी होना जाना अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि 4 जून को रिजल्ट आएंगे, उसके बाद आचार संहिता हट जाएगी, जो सत्र है वो भी मानसून सत्र आएगा, और मानसून सत्र के बाद सरकार का समय मात्र 2 महीने बच जाएगा, तो ऐसा लगता नहीं है कि सरकार को कोई खतरा है और सरकार किसी तरह से कोई खतरे में होकर के सरकार गिर जाएगी, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसको भुनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, वो चाहे कांग्रेस हो, जननायक जनता पार्टी हो, INLD के नेता हो, लगातार इसको भुनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ चुकी है, इसलिए भी वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव चल रहा है तो इसको लेकर के ये बयानबाजी कर करके वो जो जनता का वोट है उसको कहीं ना कहीं गेन करने की सोच रहे हैं। जी।